ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଗବେଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଇସିଏଚଆର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଗବେଷକ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବୈଠକ। ଶହୀଦ ବୀର ଛବିଳସାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ। 1857 ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆଇସିଏଚଆରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान देइछंती अजणा नायक मानू खोजिकी तांकु राष्ट्रीय मर्यादा देवाई 57 जन आमर वीर पुरुष इटि सुरेंद्र साईंकर सहोदर छबिल साईंक नेतृत्व में बलिदान देते गुली खाई फाँसी चढ़ी कथा को इतिहास अंशविशेष कर आवश्यकता अच्छी मुझे आज दायित्व नहीं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आनुकूल्य ये इतिहास गवेषणा करा जीवो। मात्र 11 दिन तले प्रतिश्रुति देथिले केंद्र शिक्षामंत्री आउ एबे धर्मेन्द्र उद्यम आरंभ होइछि प्रक्रिया। देश को स्वतंत्रता देबारे शहीद वीर छबिल साईं समेत पश्चिम ओडिशार वीर संग्रामी भूमिका एवं सेमानंकर बलिष्ठ योगदान उपरे हेबो गवेषणा। नूआदिल्ली में भारतीय इतिहास गवेषणा परिषद आईसीएचआर ओडिशार इतिहास गवेषक और नेशनल बुक ट्रस्ट सह एने आलोचना करिछंती केन्द्र शिक्षामंत्री। 1857 मसीहा डिसेंबर 30 रे संबलपुर कुदोपाली घाटी रे ब्रिटिशों गुड़ी में शहीद होता तुंग वीर छबिल साए और अन्य 57 जन संग्रामी बलिदान उपरे गवेषणा तथा अध्ययन करने औपचारिक भाव यह एक पूर्णांग पुस्तक प्रकाशन करने बैठक में गुरुत्व दिखाई। कुदोपाली व्यतीत ही महान संग्राम रक्तरंजित होता अन्यान्य स्थान रईंडा कुलुंडा गड़पाटी झरघाटी सिंघोड़ा चिताखाई आदि को गवेषण में सामिल कर स्थानगुड़िक नेतृत्व नहीं संग्रामी अवदान उपरे तथ्य जोगाड़ केन्द्रमंत्री। ओडिशार शहीद वीर लुकायित इतिहास गवेषणा हेले सारा विश्वासी जानवाक पाइबे केन्द्रमंत्री को धन्यवाद जनाई खिंडा ग्रामवासी। गायत्री परिवार जो विचार भारतीय विचार प्रवाह को सांप्रतिक समय रे सांसारिक जीवन में लोक मान भितरे पहुँचेबा सहज सुलभ ढंग रे पहुँचेबा भावना धर्म आस्था ये सबू प्रसंग गुड़िक निजर विश्वास को दृढ़ीभूत करेबार गोटे महान जन आंदोलन बड़ा परंपरा। सुरेन्द्र सार वंशर किए किए थे काण काम करते से सब विषय जान ले भल हाँ से जेन आमर खिंडा के पर्यटन केन्द्र जेन मान्यता दे बहुत बढ़िया ताको आम धन्यवाद देमु से धन्यवाद योग्य किए खिंडाटा गोटे आमर गर्व आ गौरव है जे आमर खिंडारे तार मैंने वीर सुरेन्द्र साय जन्म होते विषय में गवेषणा करार लगे जेन कौन आम स्वागत कर बहुत बढ़िया हाँ आगामी पीढ़ी समस्ते विषय में जानपारे बहुत स्वागत योग्य पदक्षेप विशेष भाव में पश्चिम ओडिशार जो स्वाधीनता संग्रामी मैंने अच्छा एक गवेषणा हम तेरे यहाँ निश्चित भाव में एक स्वागत योग्य पदक्षेप बहुत दिन रूटा समस्त गोटे आशा था जो पश्चिम ओडिशार जो स्वाधीनता संग्रामी मैंने लुकायित होती लोकलोचन को अणा जाऊ पाणीमुरार ना शुणिले आज दिल्ली दरबार में नाँटा पड़ू एमती अनेक स्वाधीनता संग्रामी ये एमती लोकलोचन वार्ड में रही जाती तेरे यहाँ निश्चित भाव में स्वागत योग्य पदक्षेप ये आउ कि नुआ नुआ प्रकल्प कार्यकारी होगा खूब जरूरी मन हो। ओडिशार स्वतंत्रता संग्राम रे अनेक अपुहा कथा और गाथा अच्छी इतिहास पृष्ठार अनालोचित अजणा नायक को खोजी सेमानंकु राष्ट्रीय स्तर में परिचित करवाई प्रधानमंत्री आह्वान करिछंती। अनालोचित संग्रामी वीरगाथा को लोकलोचन को आणवा जातीय शिक्षा नीतिर उद्देश्य। पश्चिम ओडिशार स्वाधीनता संग्राम एवं एही संग्राम रे वीर छबिल साए और शहीद होता अन्य 57 जन स्वाधीनता संग्रामी भूमिका उपर अध्ययन एक गवेषणा प्रकल्प बा रिसर्च प्रोजेक्ट आरंभ करने आईसीएचआर चेयरमैन प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवार को चिठी लिखिंट केन्द्र शिक्षामंत्री। केन्द्रमंत्री को पदक्षेप को पश्चिमांचल एकता मंच सांबादिक सम्मेलन कर स्वागत करने धन्यवाद जनाई। केन्द्र शिक्षामंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान पदक्षेप के आम स्वागत करुचु जेनेक पश्चिम ओडिशार वीर संग्रामी भूमिका एवं समानकर बलिष्ठ योगदान उपरे
जेन पाठ्यक्रम गवेषणा करवार लगी निष्पत्ति निजन तांकु आमर लगी बरगड़ लगे माने खुशीर खबर अच्छे गर्व एवं गौरव भी अच्छे जो बेसरकारी तथ्य रु आम नौ जो गवेषक मैंने निजस्व उद्यम से गवेषणा करु केन्द्र सरकार के तरफ गोटे सरकारी मान्यता पाइक गोटे गवेषणा कराव से सरकारी भाव में गोटे प्रमाणित हो पार जो ये घटनाटा होती गोटे आधिकारिक पृष्ठभूमि मिल पार ए बैठक में ओडिशार विशिष्ट इतिहास गवेषक हरिहर पंडा दीपक पंडा चंडी प्रसाद नंद विभुदत्त मिश्र समेत आईसीएचआर और नेशनल बुक ट्रस्ट अधिकारी जोगदे गत डिसेंबर 30 तारीख में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान संबलपुर कुदोपाली ठारे वीर छबिल साए स्मृति कमिटी पक्षर् अनुषित श्रद्धाजलि सभार जोगदे आईसीएचआर मध्यम कुदोपाली इतिहास गवेषणा करने मत रखी जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।